लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। राव राजेंद्र 1340 मतों से आगे चल रहे हैं। ये एक्चुअली में ऐसा चल रहा है ऐश्वर्या, जैसे T20 का अंतिम ओवर हो। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें सुपर ओवर भी हो गए। विजेंद्र, ये जो सीट है, इस सीट को लेकर झोटवाड़ा को सबसे ज्यादा शुक्रिया देंगे राव राजेंद्र सिंह, क्योंकि झोटवाड़ा ही एक ऐसी जगह है जिससे जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो व्यक्ति झोटवाड़ा में भी गया और पूरे जयपुर ग्रामीण में घूमा, उसे लग रहा था राव राजेंद्र सिंह जीत जाएंगे, और जो झोटवाड़ा नहीं गया और पूरे जयपुर ग्रामीण में घूमा, उसे लगता था कि राव राजेंद्र सिंह हारेंगे। लेकिन यदि राव राजेंद्र सिंह थोड़े बहुत वोटों से भी जीतते हैं तो ये जीत इस दौर में जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसे बीजेपी की राजवर्धन सिंह राठौड़ की जीत से जोड़कर देखा जाएगा। तो शुक्रिया अदा करेंगे, कहेंगे कि फंसवा दिया था, क्योंकि जितने वोट यहां पढ़ने चाहिए थे या पढ़वाने चाहिए थे उतने हुए नहीं, और यह मुकाबला अगर यहां तक फंसा है तो उसमें भी झोटवाड़ा है। विजेंद्र, यहां एक चीज और देखिए कि जो बीजेपी का मूल वोटर था वो कितना ओवर कॉन्फिडेंस से भर गया था, उसे लगता था कि उनकी सरकार आ रही है, 400 पार जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस को हतोत्साहित करने के लिए या फिर विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए इस तरीके की बात कही गई। थोड़ी देर बाद इन्होंने भी टारगेट को लेकर बात कही शैलेंद्र जी ने, लेकिन इस उत्साह से आम कार्यकर्ता जो है या आम लोग हैं, उनको लगता है कि भाई 400 तो आई रही है, कौन मेहनत करेगा। और एक वो दौर देखिए जब 2014 का चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस को बाहर करता था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में कूद गया था। ये भी दुधारी तलवार रहा है। एक और चीज जो रोचक बात वो ये है कि जमवा रामगढ़ की एक ईवीएम ऐसी है जिसकी गिनती अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि उसमें तकनीकी समस्या आ गई है, जो कुछ देखना है हमें इसी सीट पर देखना है। देखिए, अगर उस तकनीकी समस्या से परे अगर जमवा रामगढ़ में वो जो बेल्ट है वो बीजेपी के वोटर की है, कांग्रेस के वोटर की है, देखना पड़ेगा। क्योंकि स्थानीय नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं कि फला गांव या फला ढाणी में बीजेपी को वोट गए हैं, फला गांव या फला ढाणी में कांग्रेस को वोट गए हैं, तो यहां पर ये अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि ये रस्सा कसी का दौर लगातार चल रहा है और दिल की धड़कनें सभी की बढ़ रही है। हालांकि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है कांग्रेस ने, यहां पर जो युवा नेता है चोपड़ा, इनके चुनाव की तारीफ करनी पड़ेगी कि इस दौर में राव राजेंद्र सिंह सरीखे मजे हुए राजनीति